इंडिया के अंदर जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो उसे सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी चीज़ें लगती हैं उसके पीछे, मतलब जैसे उसका लुक्स हो गया, फीचर्स हो गया, उसकी कार की कंपनी कौन सी है, मतलब ब्रांड कौन सा, वो भी इस बात पे डिपेंड करता है। वो कस्टमर भी जब भी गाड़ी खरीदता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि उसकी गाड़ी का बढ़िया लुक हो, उसके अंदर फीचर हो, कीमत भी ठीक ठाक हो, कि उसकी बजट में आ जाए। इंडिया में तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी गाड़ी आपको मिल जाती है और इसकी लिस्ट भी काफ़ी सारी है, मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है। लेकिन फिर भी ऐसी कई गाड़ी हैं जिनका लुक भी शानदार था, फीचर भी दमदार था, कीमत भी दमदार थी, मतलब ठीक ठाक थी, फिर भी कस्टमर को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाई अपनी तरफ और वो फ्लॉप हो गई एक तरह से मान लो। आज मैं इस वीडियो में 5 गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ आपको, जिनका लुक भी अच्छा था, फीचर भी दमदार थे और प्राइस भी ठीक ठाक था, मगर फिर भी कस्टमर उसे ले नहीं रहे थे, मतलब सेल कम थी। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी गाड़ी लोगों को पसंद नहीं आई है। सब कुछ अच्छा था मगर फिर भी नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, आई ही नहीं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मेरे लिए पहले नंबर पे है महिंद्रा की अल्ट्रा G4। ये महिंद्रा की फ्लैगशिप SUV है जिसे साल 2019 में लाया गया था जब कोरोना आया था, तब याद है ना। हाँ, महिंद्रा कंपनी की फुल साइज SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर फोर्ड एंडेवर की टक्कर में लाई गई थी। महिंद्रा कंपनी ने इस SUV की कीमत 28,77,000 से लेकर 31,77,000 रखी थी, जो कि अक्षुरम थी। महिंद्रा अल्ट्रा G4 के अंदर 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है आपको, जो कि 180 PS का पावर देता है और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। महिंद्रा अल्ट्रा G4 के अंदर 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलते हैं आपको। इसमें आपको सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं आपको, मगर फिर भी ये कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाई है और महिंद्रा कंपनी ने इसका जो प्रोडक्शन है वो बंद करने का फैसला ले लिया है। तो मेरी इस पर अगली गाड़ी है मित्सुबिशी की पजारो स्पोर्ट। इस गाड़ी के बारे में सुनकर 90s के किड उनको काफ़ी ज़्यादा ताज़ा हो गई होंगी, जो कि गाना था ना, मैडम बैठ पजारो में स्पेशल तेल खाते लाया। ये उस टाइम की काफ़ी पॉपुलर गाड़ी थी, मतलब 2000 के आसपास की काफ़ी पॉपुलर गाड़ी थी। इसे ऑफ रोड किंग भी माना जाता था उस समय। 2012 में इसे मित्सुबिशी पजारो स्पोर्ट के नाम से लाया गया था, मतलब फेसलिफ्ट मॉडल लाया गया था इसका 2012 में। इसमें भी पुराने वजन जितने ही दम था। मित्सुबिशी की पजारो स्पोर्ट ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं कर पाई थी, क्योंकि मित्सुबिशी ने ऐसी इतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं की थी जितनी कि आजकल होती है और जितनी रिक्वायर्ड होती है। चाहे आप BJP को देख लो, चाहे किसी भी पार्टी या किसी भी कंपनी में देख लो, कितनी बढ़िया प्रमोशन करती है अपनी, बिंदास अंधा पैसा लगाती है, ऐसा वो नहीं कर पाई थी मित्सुबिशी, इसलिए पजारो स्पोर्ट ने चल नहीं पाई। तो मेरी इस पर अगली गाड़ी है टाटा की हेक्सा। टाटा हेक्सा उन कैपेबल SUV में से एक थी जो हाईवे के साथ साथ ऑफ रोड इलाकों में भी आसानी से जा सकती थी। इसमें आपको 2180cc का डीजल इंजन मिलता था, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन पे आता था। BS6 नॉर्म आने के बाद, मतलब अप्रैल 2020 में जब BS6 नॉर्म आया था, तो टाटा ने हेक्सा के जो प्रोडक्शन है बंद कर दिया। तो मेरी इस पर अगली गाड़ी है स्कोडा की सुपर्ब। स्कोडा सुपर्ब एक प्रीमियम सेडान कार है। इसमें 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है आपको, जो कि 190 PS का पावर देता है और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। स्कोडा सुपर्ब को 7 स्पीड DSG के साथ जोड़ा गया है। स्कोडा सुपर्ब के अंदर 360 डिग्री कैमरा, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, LED हेडलैम्प, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। कार में 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ और 12-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वेंटिलेटेड सीट भी दी गई है। मगर वही बात आ जाती है ना, लोगों को पसंद नहीं आई और इसकी एडवर्टीजमेंट भी इतनी नहीं हो पाई कि लोग इसको जान पाए कि ये भी गाड़ी आई थी। तो मेरी इस पर अगली गाड़ी है महिंद्रा की TV 300। हालांकि महिंद्रा कंपनी ने इसकी ठीक ठाक एडवर्टीजमेंट दी थी, जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने देखी इसकी कुछ एक आदि एडवर्टीजमेंट, मगर फिर भी महिंद्रा TV 300 एक काफ़ी किफ़ायती और कंपेटेबल SUV होने के बाद भी कस्टमर को खास अट्रैक्ट नहीं कर पाई। महिंद्रा कंपनी ने हाल ही में इस कार का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है महिंद्रा बोलेरो न्यू, जिसका मैंने एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी आप लोग मेरे चैनल पर जाके वो भी देख सकते हो। इसमें रियर व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है। नई कार के अंदर 1.5 लीटर 3-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 100 HP का पावर देता है और 240 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देता है। तो ये कुछ ऐसी 5 गाड़ियां हैं, या SUV कह लूँ, जिनका फीचर अच्छा है, लुक अच्छा है और प्राइस भी ठीक ठाक है कस्टमर्स के लिए, मगर फिर भी किसी ना किसी कारण से लोगों को पसंद नहीं आई और कंपनी को इनका मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ेगी एक तरह से, ये कह लूँ मैं तो भी गलत नहीं होगा। बाकी ऐसी बात नहीं है कि इसकी सेल बिल्कुल ही जीरो हुई है, कुछ लोगों ने फिर भी खरीदी थी, मतलब खरीदी है, क्योंकि अभी भी रोड पे दिख जाती है कभी कभी ये, मगर उतनी नहीं पाई जितनी कि इनको एक्सपेक्टेड था कि इतनी बिक जाएंगे। तो खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।